पेट की बीमारियों से जितने भी लोग पेट के रोग से हैं, कैसे भी पेट के रोग क्यों नहीं है, पथरी, रसौली, गिल्टी, कुछ भी है, वो हील होने जा रहे हैं। अगर आप मन फिर आ चुके हो, मैंने कहा पेट के रोग से, बीमारियों से, अब खांस, ये मैं आंस कहता हूं, खांस रिसीव करो। ये आज आपके लिए ये भी एक प्रोफेटिक वर्ड है। जो पेट के रोग हैं, पेट की रोगियों, रोग से, कैसे भी रोग हैं, किसी भी तरह के, लीवर का है, उनके पित्ती का, उनके पित्ती में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, पेट में किसी भी कोने के हिस्से में, यूट्रस में रसौली है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, कैसे भी ये पेट की बीमारियों से आप आजाद होने वाले हो, यीशु के नाम से मैं आपको ये प्रॉफिटिक वर्ड देता हूं। हाथ रख लो अपने पेट पर, अपने हाथ, अपने पेटों पर हाथ रखो, अपने पेट पर हाथ रखो, और उससे पहले अपने मन को फिराओ। मैंने किसी से नफरत नहीं करनी, मैंने किसी से झगड़ा नहीं करना, अरे इससे अच्छा है दुख में ऐसे जीवन जीना, उससे अच्छा है अब कम खा लो, कम पहन लो, पंखा मिले ना मिले कोई बात नहीं, गर्मी में सो लो, पर नफरत में जीना ये बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए अपने मंदिर, अपने मन से आज, क्योंकि खुदा आज को सुनने वाला है, आपके अपने मन से, अंदर से वो ईर्खा, उस चीज को निकालो, आपकी टस्टा मनी आने वाली है। फिराओ अपने मन को, फिराओ अपने मन को, और अपने पेट पर हाथ रख लो, आज ऐसा होने वाला है, आप गवाही से आने वाले हो यीशु के नाम से। मैंने कहा आप यीशु के नाम से, ये आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है, वर्ड है आज फिर ये भी, कि अगर आप मन फिर आ चुके हो, आप पेट के रोग से, हर चीज से, चाहे वो पेट का फल है, चाहे वो यूट्रस की प्रॉब्लम है, चाहे वो पित्त की प्रॉब्लम है, जितनी भी आपके पेट में जितनी भी चीजें संबंध रखती हैं, उससे आज खुदाबंद, मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर, जो मेरे पापों के लिए चकित के और आपके लिए मरा, वो आपके जीवन में काम करेगा, काम करेगा। रिसीव करो, मैंने कहा रिसीव करो, वो काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा।